पटना में अशोक राजपथ एक सड़क है और अशोक राजपथ से दिल्ली के राजपथ पे आने में मुझे करीब 35 साल लगा। '68 से लेके 1974 तक मैं एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति था। अखबार इसलिए बेचता था कि पढ़ने की तमन्ना थी। मैं जो काम कर रहा हूँ स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के लिए काम कर रहा हूँ, खास करके उनके वंशजों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सन 1857 और 1947 के जो क्रांतिकारी हैं, जो शहीद हैं, जो गोली के शिकार हुए, दूसरा जो जेल में मारे गए, तीसरा जिन्हें फांसी लगी, और उनके जो आज के वंशज हैं उनको ढूंढना, और फिर उनकी स्थिति को देखते हुए हर एक साल मैंने एक प्रण ले लिया था कि हर एक साल पे या डेढ़ साल पे एक किताब बनाऊंगा, अलग तरह से किताब, और उस किताब से एक फैमिली को नई जिंदगी जरूर दूंगा। '07-2014 पांच किताब अभी तक बनाया और पांच फैमिली को अभी तक नई जिंदगी दिया। इसमें लखान साहब के बाद तात्या टोपे, तात्या टोपे के बाद बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के बाद उधम सिंह, उधम सिंह के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, और अब काम कर रहा हूँ खुदीराम बोस और सत्येन बोस के लिए। हम देशभक्त जताते तो हैं, लेकिन देशभक्त कितना है उसका एहसास सिर्फ अपने कलेजे पे हाथ रख के लोग कर सकता है। विनायक राव टोपे बिठूर कानपुर में रहते हैं। मैं बिठूर से उन्हें बोला कि आप कानपुर के डीएम के पास जाइए और उन्हें लिख के आप एक लाइन ले लीजिए। विनायक राव टोपे को उन्होंने गर्दन पे हाथ देके बाहर निकाल दिया। मैं किसी तात्या टोपे को नहीं जानता हूँ। तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, पैसे पैसे के लिए किल्लत हो रही है। अपना तनख्वाह जो पैसा मिलता है वो इसमें दे देते हैं। वाइफ टीचर है, उसको जो तनख्वाह मिलता है वो इसमें खर्च कर देता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। मैं अपने जीते जी अपनी किताब के माध्यम से अगर 10 फैमिली, 15 फैमिली, 20 फैमिली के जीवन में थोड़ा सा अगर रोशनदान कर सका तो शायद सार्थक होगा। इसमें मैं 5 अभी तक कर दिया हूँ और 15 भी होगा। सत्येन बोस की फैमिली 85 ईयर्स ओल्ड पैरालिटिक आदमी, वो मुझे पकड़ के जिस तरह रोया, वो व्यक्ति बोला कि आज तक 67 साल में किसी ने मेरे दरवाजे पे नहीं आया। मैं जो कर रहा हूँ इसकी उपयोगिता आज है नहीं है मुझे नहीं मालूम, कल होगी नहीं होगी मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन किताब कभी मरेगा नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर इट, एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू डेलीपीडियाज़ यूट्यूब चैनल।